जरूर की है आप सबसे सच छुपा के, लेकिन ईश्वर गवाह है जब से शादी करके मैं इस घर में आई हूँ मैंने इस घर को अपना समझा, यहाँ के सुख दुख को अपना समझा। मैं इस घर के कुल देवता की कसम खा के कहती हूँ विनायक भाऊ आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। उन्होंने आपको गलत दवा भी दिलवाई। इस बात को साबित करने के लिए आप सौरभ जी से पूछ सकते हैं और अब वो सारी संपत्ति अपने नाम पे करने जा रहे हैं। ये कागज देखिए, इसे एक बार पढ़ लीजिए फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें झूठी समझा। तुम तो बड़ी चालबाज भी हो। देख लिया बाबा, मैंने कहा था ना आपको कि इसने सारे कागजात चुराए होंगे। कहीं उसी ने तो कागजात। वो क्यों लेगी दादा, उसके किस काम के हमारी संपत्ति के कागज? वो लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, क्या पता उनका क्या इस्तेमाल करे, और मुझे यकीन है कि वो कागजात उसके पास ही निकलेंगे। अब यकीन हुआ, मैं इसकी सारी चाल समझ गया हूं। ये कागजात पढ़ के समझ गई होगी कि बिना हमारे हस्ताक्षर के ये संपत्ति अपने नाम नहीं कर पाएगी, और इसीलिए इसने ये चाल सोची होगी, क्योंकि मैंने इसकी सच्चाई सबके सामने ला दी। बदला लेने के लिए अच्छा दिमाग लगा है इसने। मैं सच कह रही हूं, मैं कोई बदला नहीं ले रही। इन कागजात से ये साफ हो जाता है कि तुम इतना गिर जाओगी मैंने सोचा नहीं था। हद होती है, मैं अनपढ़ हूं और सच में मूर्ख भी हूं। सोचने लगा था कहीं तुम्हें समझने में हमने गलती तो नहीं की, लेकिन तुम सोचती हो कि तुम ऐसी बातें कहोगी भाव के बारे में और हम सब मान लेंगे। जिन्होंने इस घर को बांध के रखा उनके खिलाफ ऐसी बातें, और तो और तुम ये चाहती हो कि हम सब ये मान लें कि मेरे भाऊ मेरे बाबा को गलत दवाई दे रहे हैं। दुश्मन नहीं है ये, इस घर की जिम्मेदारी उठाई है इन्होंने, इनके लिए तो ऐसा सोचना भी पाप है। निकल जाओ राधिका।
अगर थोड़ी सी भी शर्म बची तो कभी अपना मुंह मत दिखाना। काम ही करना है तो कहीं और जाकर पढ़ाओ, तुम्हें तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी, और अगर तुम नहीं जाओगी तो फिर मुझे शिरडी छोड़ के जाना होगा। बैरी हो क्या? या ठीक हो? कितना कुछ सुनने के बाद भी यही खड़ी हो? तुम क्यों मुंह लग रही हो इसके वरदा? आज रात तक का समय दे रहा हूं तुम्हें, अगर तुम शिरडी से नहीं गई तो हम लोगों को धोखा देने के जुर्म में तुम पे कार्रवाई करवाऊंगा, जिंदगी भर जेल में सड़ोगी तुम। मैं क्या करूं साईं, कैसे समझाऊं? तूने क्या सोचा था, एक दाव तेरे हाथ लगा तो बाजी भी मार लेगी? विनायक, कौन है ये? मैं वकील हूं। आपके बेटे ने संपत्ति के कागजात अपने नाम पे मुझसे तैयार करवाने के लिए कहा था। अगर आज जब मैं सुबह यहां पे कागजात लेके पहुंचा तो खंडोबाजी के मंदिर के बाहर विनायक आके मुझसे मिला और कहा कि कागज मैं इनको दे दूं। कहां रहेंगे विनायक जी? मैंने तो उन्हें यही मिलने के लिए कहा था। मैं आ गया हूं वकील साहब। आपके सारे कागजात तैयार है, आपको दस्तखत लगवाने हैं बस। वकील साहब, एक छोटी सी विनती है आपसे। जी बताइए। मुझे थोड़ा जल्दी है, मेरी बहिनी राधिका द्वारिका माई में साईं से मिलने गई है, मुझे बड़ा भरोसा है उस पर। मैं चाहता हूँ कि संपत्ति के पुराने और नए कागजात आप उसके हाथ में सौंप दें। क्या आप ये कागजात जाकर उन्हें दे सकते हैं? घर की बात है तो बाद में मैं उनसे कागजात ले लूंगा। ठीक है, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं उन्हें दे दूंगा। मैं द्वारका में ही गया और कागजात इनको सौंपे, और जब वापस मैं लौट रहा था तो विनायक मुझसे मिला और मुझे भड़क गया कि कागजात मैंने इनको क्या सौंपे। और ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे पहले मुझसे मिला ही ना। तभी मेरी अंतरात्मा को लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और मैं यहां चला आया। मामन जी, ये कागज। वकील साहब, क्या ये वही कागजात हैं? जिसमें विनायक ने लिखवाया है कि इसके बाबा और भाई अपनी इच्छा से संपत्ति का हिस्सा त्याग के इसके नाम पे करना चाहते हैं। क्या अब भी आप सबको लग रहा है कि मैं झूठ कह रही हूं? बिल्कुल झूठ बोल रही हो तुम। ये कौन है मैं नहीं जानता इसको, और ऐसा कोई भी अगर हमारे घर में आके बोल देगा कि मैं वकील हूं, मैं मान जाऊंगा। मुझे तो इन दोनों की मिली वक्त लग रही है ये। तो अब तो मुझे भी नहीं जानते। कल कोपर गांव के दफ्तर में आकर ये कागज तुमने मुझे दिए, आज सुबह तुम मुझसे मिले लेकिन दोपहर तक तुम भूल गए। लेकिन कल तो विनायक
रहता गया था। कोपर गांव में मेरे सहायक है, उनसे पूछ लीजिए, उन्होंने भी देखा था इसको। और वैसे भी ये आप लोगों का आपसी मामला है, मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए, लेकिन मुझे तो इस आदमी की नियत में खोट लगती है, बाकी आप लोग जाने। ये लीजिए। मेरा फर्ज था सच्चाई आप सबके सामने लाने का। मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, मुझ पे विश्वास नहीं करना है मत करिए, लेकिन साई ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आप अपना इलाज उनसे करवाइए, कोई और दवा मत लीजिए, और किसी भी कागज को बिना पढ़े बिना समझे उस पे दस्तखत मत करिए। कोई दाव नहीं चला तब हमें ही सीख देने लग गई। बाबा 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 साई राम, ओम साई राम, ओम। मैं यहां हूं बेटी। साई देखिए मामन जी को क्या हो गया, उनकी हालत बहुत खराब है साई। एक बार साई को देखने दीजिए, आप सब जानते हैं कि कोई भी रोग साई के लिए लाइलाज नहीं है। साई मदद कीजिए, दौरे तो उन्हें पहले भी पड़े पर ऐसी हालत पहली बार हुई है, हालत है कि सुधर ही नहीं रही है। लेकिन विनायक दवा दे रहा है ना? लेकिन साई शराब जी ने आपके सामने कहा था कि वो दवा नींद और कमजोरी लाती है और उसका लगातार उपयोग करने से सेहत बिगड़ सकती है, और वही हुआ। नहीं राधिका, विनायक भला ये क्यों चाहेगा कि उसके पिता के साथ कुछ भी बुरा हो। सिंधुताई आप दवा ले आइए। अबा कुछ नहीं होगा आपको, आपको अपने परिवार के लिए हिम्मत बनाए रखनी है, जिस परिवार में सब आपसे प्यार करते हैं। राधिका को कुछ गलतफहमी हुई है, कोई बेटा अपने पिता के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता है, और आप तो वो पिता हैं जिन्होंने इसका हमेशा से ख्याल रखा है। जब ये छोटा था और आपके हालात इतने सही नहीं थे, तब आप खुद पैबन लगे कपड़े पहनते थे
लेकिन इसे हमेशा अच्छे कपड़े पहनाए आपने। बाबा आपके कपड़े में ये टाका क्या है? आप अपने लिए नए कपड़े क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि ये मेरा सबसे प्यारा कुर्ता है, फेंकने को मन नहीं करता। लेकिन हमारे अध्यापक जी कहते हैं कि हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अब मैं तेरे जितना पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, मुझे यही पसंद है। और विनायक भला श्रीपाद का हिस्सा क्यों लेगा? ये वही श्रीपाद है जिसने विनायक के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम्हें तो याद होगा ना विनायक, बचपन में जब तुम पढ़ाई करते थे श्रीपाद, यहाँ बैठ के पढ़ाई करो। हाँ दादा आया। दादा मैं पानी लाता हूँ। श्रीपाद का ध्यान विनायक का ख्याल रखने में ही रहता था, जिस कारण वो अपनी पढ़ाई में पिछड़ता गया। इसलिए वो कक्षा 4 के बाद पढ़ नहीं पाया। इसका तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। जो भाई अपने विनायक से इतना प्यार करता है, जो पिता अपने बेटे पर इतना भरोसा करता है, ऐसे भाई और पिता का बुरा क्यों चाहेगा विनायक? मैं जानती हूँ आप में इंसानियत है, वरना जिन लोगों को आज आपने वो कागजात छीनने भेजे थे उन्हें आप मुझ पे हाथ उठाने से मना नहीं करते। फिर अपने बाबा को इतना नुकसान होते हुए कैसे देख रहे हैं आप? आई को रोक लीजिए भाऊजी। सारे गुनाह कबूल कर लूंगा, बस मेरे बाबा को ठीक कर दीजिए।
अंतर मन की आह सुनो रे प्रभु जी करो सहाय राह न कोई सिवा तुम्हारे दया करो रघुराय प्रभु जी करो सहाय प्रभु जी करो सहके ही पत्थर ईश्वर है कहलाए भोर अगन में सोना तपके निखरे घना सुहाए दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरी गुन गा प्रभु जी करे सहाय प्रभु जी धर के हृदय में रूप हरि का करते जा हर काम सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम हरि के नाम की महिमा ऐसी पत्थर भी तर जाए प्रभु जी करे प्रभु जी करे आपसे झूठ बोला जो भी राधिका ने बोला आज वो सब सच है मैं सालों से कारोबार में कब्जा करते ये पैसे गबन करते आ रहा हूं बाबा वो कागज भी मैंने ही बनवाए बाबा और आपसे काम का भार लेने के मैंने आपको ऐसी दबा दी जिससे आपको नींद आते लेकिन बाबा मैं सच कह रहा हूं मुझे नहीं पता था कि वो आपको इतना नुकसान देगी और बाबा जब मुझे लगा कि राधिका आपको सब कुछ सच बता देगी तो मैंने उससे कागजात छीनने की कोशिश की लेकिन जब मैं सफल नहीं हुआ तो मैंने कागजात चोरी होने का नाटक किया बाबा मुझे माफ कर दो कमी छोड़ी थी हमने हमारे साथ अपने परिवार के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया तुमने आपको जो सजा देनी है दे दीजिए मुझे बाबा मैं भटक गया था पढ़ाई के घमंड में मैं खुद को आप लोगों से बेहतर समझने लग गया था बाबा
और सोचने लग गया था कि अपनी मेहनत की कमाई आप लोगों में क्यों बांटूं। नहीं, घर से निकाले जाने का दुख क्या होता है ये मैं समझती हूँ। भाऊजी ने अपने आप से सच बताया है और ऐसा वही कर सकता है जिसको दिल से पछतावा हो। भाऊजी एक गलती करके इस घर की नींव को हिला चुके हैं, आप दूसरी गलती करके इसे गिराइए मत। बहुत सालों की मेहनत, प्यार और त्याग है इस परिवार को संभाल के रखने में। कैसी लड़की है तू, जिस आदमी ने तुम्हारे बारे में इतना बुरा कहा। तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम हो कि उसी की तरफदारी कर रही हो। साई, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपका भी अपमान किया है। आप कहते रहे ये लड़की हमारे घर की लक्ष्मी है, लेकिन हम नहीं माने। बार बार उसका अनादर करते रहे और आज वही लड़की हमारे घर को टूटने से बचा रही है। गलतियां सबसे होती हैं। आप राधिका आपको सच बताना चाहती थी, लेकिन पहले इसे इसके डर ने रोक लिया और फिर परिस्थितियों ने। लेकिन राधिका, अपने डर को कभी अपनी इंसानियत पे हावी नहीं होने देना चाहिए। और श्रीपाद, तुमने भी तो राधिका को समझाने का एक मौका तक नहीं दिया। बस विनायक की बात सुन के इसे घर से निकाल दिया। क्या इसका इतना भी हक नहीं था कि यह अपनी बात रख सके? आबा, सिंधुताई, जिस शिक्षा के कारण आपने राधिका को घर से निकाल दिया, आज इसकी उसी शिक्षा ने इस घर को टूटने और बिखरने से बचाया है। कुछ शिक्षित लड़कियों ने श्रीपाद को मना कर दिया, इसलिए आप लड़कियों की शिक्षा के ही खिलाफ हो गए। जब तक राधिका आपके साथ थी, इसके कितने गुण देखे आपने, लेकिन जैसे ही इसकी पढ़ाई का पता चल गया तो आपने इसके सारे गुणों को नजरअंदाज कर दिया। विद्या ददाति विनयम्, विनया दयाति पात्रताम्, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मं तथा सुखम्। विद्या वही है जो विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन आता है, और जब उस धन से धर्म का कार्य हो तब मनुष्य सुख पाता है।
जिसे अपनी विद्या का दंभ हो वो तो शिक्षित होकर भी अशिक्षित है, वो ज्ञान पाकर भी अज्ञान के अंधकार से मुक्त नहीं है। वरदा, तुम विनायक की पत्नी हो, इसके बुरे विचारों को काबू करने में तुम्हारी भूमिका होनी चाहिए थी, ना कि इसके अभिमान को बढ़ाने में। तुम दोनों लोभी हो गए थे और उस लालच में आकर तुम अपने ही बाबा की जान से खेलने लगे। अपने घर आई लक्ष्मी सरस्वती का अपमान करने लगे। सच कहा आपने सही बेटी, हमें एक मौका दे दो, वापस आ जाओ। तुम्हें पढ़ाना है पाठशाला में तो पढ़ाओ, अब तुम्हें किताबों से कोई दूर नहीं करेगा। राधिका, तुम्हारे कारण मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। राधिका, अगर तुम इस घर का हिस्सा नहीं बनोगे तो मेरा प्रायश्चित कभी पूरा नहीं होगा। मुझे सुधरने का मौका दो राधिका, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो कोई मुझे माफ नहीं करेगा। मुझे भी राधिका, मुझे भी माफ कर दो राधिका। नहीं, गलती मैंने भी की थी आप सबका विश्वास तोड़ के, इसीलिए आप सब मुझे भी माफ कर दीजिए। यहां से हम सब मिलके एक नई शुरुआत करेंगे। क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूं? जी। छुप छुप के देखता था कैसे तुम बच्चों को पढ़ा रही हो, तब से मन में इच्छा हुई कि मैं भी तुमसे पढ़ूं। क्या तुम मुझे अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करोगी, इस अनपढ़ को पढ़ाओगी? जी। मुझे माफ कर दीजिए साई, उस दिन मैंने आपका त्याग किया था, पर आपने हमारा परित्याग नहीं किया, हमेशा हमारा भला सोचते रहे, इसलिए सब आपको भगवान मानते हैं। केवल मुझ जैसे बेवकूफ हैं जो अपनी अज्ञानता में आपको नकार देते हैं, लेकिन आप उन सब पे भी अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हमारे परिवार को एक साथ जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया साईं। राम जी भला करे। Sai Om, Sai Om, Sai Om, Sai Om.
एक आदमी सीखता है तो महज एक व्यक्ति सीखता है, जब एक औरत सीखती है तो एक पूरा घर सीखता है और घर घर से समाज बनता है। अगर स्वस्थ समाज का निर्माण करना है तो घर घर की राधिका का निर्माण होना जरूरी है। अल्लाह मालिक। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। अमरूद के पेड़ को खाद की जरूरत है गोविंदा। लेकिन मैंने तो सब करके देख लिया, मैं इस अमरूद के पेड़ को महीनों से सींच रहा हूं पर फल आ ही नहीं रहे इस पे। पहले पेड़ को फल देने योग्य बनने तो दो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। समय से पहले फलों की उम्मीद रखना, फल पाने की कोशिश करना पेड़ का भी नुकसान करती है और हमारा भी। प्रणाम साईं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। श्रीकांत, सब ठीक तो है ना? जी साईं, सब ठीक ही है। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। नमस्ते। राधिका, तुम पाठशाला नहीं पहुंची। मैंने खबर पहुंचाई थी ना कि मुझे आने में देर हो जाएगी, इसलिए पाठशाला तुम्हें ही खोलनी होगी। समय हो गया है। आप चिंता मत करिए, पाठशाला खुल चुकी है और मैंने बच्चों को बोला है कि कल जो पाठ पढ़ाया था उसे शांति से बैठकर दोबारा पढ़े। ये अंग्रेजी सरकार से आपके लिए चिट्ठी आई थी, ये मुझे जरूरी लगी तो मैंने सोचा दे आऊं। परीक्षा की तिथि आ गई है, मैं सूचना पट पे लगा दूंगा। यहां तक तुम इसके लिए आई, धन्यवाद।
ये तो मेरा फर्ज है। साई, राधिका सच में बहुत अच्छा काम कर रही है। राधिका, अब कोई परेशानी तो नहीं है ना? सब चाहते हैं कि मैं पढ़ाऊं और सब मेरा समर्थन भी कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद से सब अच्छा हुआ है साईं। मेरे कारण नहीं राधिका, सब राम जी की कृपा है। जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। राधिका, तुमने जीवन में हर चीज मेहनत से पाई है और जो चीज हम मेहनत से कमाते हैं उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। उसी तरह जब हम सफलता के लिए छोटा रास्ता लेना चाहते हैं, जल्दबाजी करना चाहते हैं, तब हमें खोना ही पड़ता है। चलती हूं साईं। राम जी भला करें। मैं भी चलता हूं। साईं, भिक्षा? चूतई, मेरा आज का भिक्षाटन पूरा हो गया है। सुनिए, आपने साईं से कहा क्यों नहीं? ऐसी घरेलू बातों से साईं को क्यों परेशान करना? और वैसे भी इस मामले में जो कुछ भी करना है वो गोविंदा को ही करना है। तैयार नहीं हुआ? बेटा, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए नौकरी की बात की है, कम से कम एक बार जाके मिल तो आओ। गोविंदा, तुम्हारी आई तुमसे कुछ कह रही है, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हें नौकरी के लिए जाना है। आई ने जो कहा वो मैंने सुना बाबा, लेकिन शायद आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे आत्मनिर्भर बनना है, मुझे अपना खुद का व्यापार शुरू करना है। आपकी सिफारिश नहीं चाहिए। अगर कुछ देना है तो इस व्यापार को शुरू करने के लिए मुझे थोड़ी मुद्दल दे दीजिए। अपना व्यापार शुरू करने के लिए अनुभव की जरूरत होती है जो तुम्हारे पास अभी नहीं है। तात्या और केशव दादा ने भी इसी उम्र में अपना व्यापार शुरू किया था। तात्या बचपन से अपने खेतों में काम करता आया था, वो पाटिल साहब के साथ माल बेचने के लिए मंडी जाता था और केशव के पास मुद्दल था, दोनों साथ मिले तो काम बना। लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है।
और वैसे भी जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। बाबा ये सब पुराने जमाने की बात है, सपने नहीं देखूंगा तो बड़ा कैसे बनूंगा। गोविंदा बेटा, बाबा सही कह रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि व्यापार के लिए दे सके। थोड़ा इंतजार कर लो, जैसा तुम्हारे बाबा कह रहे हैं, नौकरी करके थोड़ा अनुभव और पैसे जमा कर लो। हाँ, इंतजार करते करते सारी जिंदगी निकल जाएगी और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मुझे कामयाब होना है और जल्द से जल्द वो मैं होकर रहूंगा। लेकिन कैसे? इरादे पक्के हैं तो रास्ता भी मिल जाएगा। इस वक्त बस मैं ये जानता हूं कि ये किसी की नौकरी करके तो नहीं होगा। गोविंदा, ये हमारी बात समझ क्यों नहीं रहा है? मैं एक शिक्षक हूं, कोई व्यापारी या साहूकार नहीं जो व्यापार करने के लिए मुद्दल ऐसे ही दे सकूं। आप चिंता मत कीजिए, गोविंदा की उम्र ही ऐसी है जिसमें कुछ कर दिखाने की इच्छा, बड़े बड़े सपने देखना उसके लिए स्वाभाविक है। मैं जानती हूं वो जल्द ही समझ जाएगा। काश ऐसा ही हो, लेकिन डर लगता है बड़े बड़े इरादों के पीछे भागते भागते कहीं अपना रास्ता ना भटक जाए। मैं मारुति मंदिर जाता हूं, मधुसूदन दादा आ भी गए होंगे। जी सुनिए, हमें एक लोटा पानी मिल सकता है? वो माताजी बहुत थक गई हैं, उनके लिए चाहिए। पानी नहीं, ये सारा पानी पूजा के लिए है, पीने के लिए नहीं। पंडित जी, लेकिन किसी प्यासे को पानी पिलाना तो अपने आप में सबसे बड़ी पूजा है। मैंने कहा ना, ये पानी जूठा नहीं किया जा सकता। इन मटकियों में पवित्र जल भरा है, खास पूजा के लिए। तो कुएं में से ही थोड़ा पानी दे दीजिए। यही तो समस्या है, एक साल हो गया कुआं खोदे हुए, लेकिन इसमें से आज तक एक बूंद भी पानी नहीं निकला है। इसलिए तो हम ये पूजा करवा रहे हैं। हम दूर दूर से जाकर सात पवित्र नदियों का जल लेकर आए हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी दूर दूर की नदियों तक गए थे ये सात मटकियां भरने। पंडित जी ने कहा है इन सात पवित्र नदियों का जल पूजा के बाद इस कुएं में डालेंगे तो फिर पानी आने लगेगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन अगर किसी मटकी से एक लोटा पानी निकाल भी लिया जाए तो मटकी का पानी खत्म नहीं होगा, बल्कि पूजा के लिए तो बहुत बचेगा। लेकिन अगर माई को पानी नहीं मिला तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। पूजा के पात्र में से एक बार पानी दे दिया तो जूठा हो जाता है, उसकी पवित्रता समाप्त हो जाती है। शास्त्रों का ज्ञान व्यान है कि नहीं? शास्त्रों का ज्ञान तो नहीं है, मगर इंसानियत का ध्यान जरूर है। कोई भी धर्म भंग हो जाए, मानवता का धर्म कभी नहीं टूटना चाहिए।
ईश्वर ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके बनाए मानव पानी के लिए तरसे और वही पानी हम ईश्वर के नाम पर जाया करते हैं, बल्कि ईश्वर तो औरों की मदद करने से प्रसन्न होता है। फकीर, मेरी पूजा में विघ्न डालने वाला तू कौन होता है? मुझसे ज्यादा तुझे पता होगा कि भगवान क्या चाहते हैं। देखिए, आप इस तरह से मेरे गुरु से बात मत कीजिए। आप जानते नहीं हमारे साईं को, ईश्वर का अंश है ये, साक्षात परब्रह्म। ऐसे होते हैं ईश्वर के अंश, भिखारियों जैसे। और अगर ये परम ब्रह्म है तो इसे मटकियों की क्या जरूरत है? बोलो अपने परम ब्रह्म जी को, दिखा दे कोई चमत्कार और निकाल दे पानी कहीं से भी। देखिए आप केशव, शांति। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं। मैं तो ईश्वर ने दिखाए मार्ग पर चलने वाला उसका एक खादिम हूं बस। पंडित जी, जब ये पवित्र पानी कुएं में पड़ जाए तब तो इस कुएं से पानी आ जाएगा ना? निसंदेह, मुझ जैसा भक्त जो दिन रात ईश्वर की पूजा करता है, ईश्वर उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। और कुएं में पानी लाने का यही एक तरीका है। पंडित जी, अगर हम यहाँ बैठकर कुएं से पानी आने का इंतजार करें तब तो आप कुएं से निकला पानी माई को दे पाएंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, आप विधिवत अपनी पूजा कर लीजिए, हम यहाँ बैठकर इंतजार करते हैं। लेकिन साईं, अगर कुएं से पानी नहीं निकला तो? केशव, जब पंडित जी कह रहे हैं तो रुक जाते हैं। हो सकता है माई को पानी इसी कुएं से मिले। तुम माई को यहां ले आओ। ठीक है सर। बैठ जाइए माई। बस थोड़ी प्रतीक्षा और माई। अब ये पवित्र जल कुएं में डाल दो।
हरि के नाम की चले निरंतर धुन यूं ही मन में सुबह हो शाम हरे कृष्णा चाहता है कि आप अपनी प्यास बुझा लें। ओ जिसके हृदय पानी पी लीजिए दया भरी हो करुणा मैं जो सर्वोपरि हो निर्बल का जो बने सहारा हृदय वही तो हरि का धाम हरे कृष्णा समझ गया इसने कोई काला जादू किया है विघ्न डाला है हमारी पूजा में इसकी वजह से भगवान रुष्ट हो गए अब इस कुएं में पानी कभी नहीं आएगा कभी नहीं अगर इस कुएं में पानी आ गया तो मैं अपनी पंडिता ही छोड़ दूंगा आप खुद कुछ नहीं कर पाए तो साईं पर आरोप लगा रहे हैं सच कह रहा हूं मैं तुम्हारे साई ने जो कुछ भी कहा उससे भगवान को बुरा लगा होगा अब इस कुएं से कभी पानी नहीं आएगा और इसका कारण ये फकीर होगा असंभव से संभव की यात्रा ही साईं के प्रति श्रद्धा की यात्रा है मेरे साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए मैं आपकी शक्ति को समझ नहीं पाया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैंने आपका अपमान कर दिया पंडित जी आपसे एक गलती जरूर हुई है लेकिन वो मेरा अपमान करना नहीं है बल्कि एक प्यासे को पानी देने से इनकार करना है जल का दान तो ईश्वर की नजर में सबसे पुण्य का काम है किसी को पानी के लिए मना करना तो ईश्वर को मना करने के समान है और यहां मैंने कुछ नहीं किया ये सब तो राम जी की माया है
राम जी को भी ये कहाँ अच्छा लगता होगा कि यहाँ उनके नाम पर पानी बहाया तो जा रहा है और वहां कोई और पानी के लिए तरस रहा है। धर्म वो नहीं जो किसी और की जरूरत को देखकर भी उसकी उपेक्षा करने का कारण बने। धर्म तो वो है जो अपनी जरूरत से भी पहले औरों की जरूरत समझने की और मदद करने की मंशा पैदा करे। सबका मालिक। राम जी भला करें। आइए ना, आप भी चलिए पूजा के लिए। जरूर चलूंगा चंदू, लेकिन ये पूजा कर कौन रहा है? साई, सुना है शिरडी में एक बड़े ही दिलदार व्यक्ति रहने आए, बड़े ही धार्मिक है। आते ही उन्होंने महापूजा रखी है और आज मंदिर में भंडारा भी रखा है। और पता है साई, और उन्होंने मंदिर के लिए चांदी का लामन डीवा दान दिया है। साई, उन्होंने आज सारे शिरडी वासियों के लिए महाप्रसाद भी रखा है। आज किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सब मारुति जी का प्रसाद ही खाएंगे। इनका नाम क्या है? मधुसूदन। मधुसूदन नाम तो उस लीला करने वाले का है। लगता है ये भी कुछ कर्तव्य दिखाकर ही मानेंगे। साहिब, मुझे लगता है आपको एक बार उनसे जरूर मिलना चाहिए। वो सिर्फ धन से नहीं बल्कि मन से भी बड़े इंसान है। आइए ना साहिब, आइए। बोलो बजरंग बली की जय। Thank you.
अब पूजा संपन्न हुई, आप सब महाप्रसाद ग्रहण कीजिए। भगवान आपको सदा सुखी रखे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। साई, आप आए नहीं, अभी भी यहीं खड़े। साई देखिए ना, वो गरीबों में महाप्रसाद के साथ साथ कंबल और कपड़े भी बांट रहे हैं। उनके आने से गांव के गरीब इतने खुश हो रहे जैसे कि उनका तारणहार आया हो। इस गोविंदा के चक्कर में देर हो गई। मधुसूदन दादा कब के मारुति मंदिर पहुंच गए होंगे? एक बात कहूं, तुम्हें गोविंदा को साथ ले आना चाहिए था। तुमने जितना मुझे बताया उससे तो मधुसूदन जी बहुत सफल और सुलझे हुए लगते हैं। ऐसे लोगों से मुलाकात करके युवाओं को प्रेरणा भी मिलती है और उनकी समझदारी भी बढ़ती है। आजकल वो कोई भी बात सुनता कहाँ है। क्यों? चलिए, देर हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल जी, गांव वालों की सेवा करके आनंद हुआ। मैं तो आपको अपने परिवार से मिलवाना भूल ही गया। ये मेरी आई है भगवती। नमस्ते। ये मेरी धर्मपत्नी पद्मनी, और ये है मेरा बेटा गौतम। माफ कीजिएगा, ये देख नहीं सकता। आओ, आप यहाँ का काम खत्म कीजिए, मैं तब तक गौतम और आई को घर छोड़कर आती हूँ। नहीं, मैं बाबा के साथ रहूंगा। ठीक है आई, चलिए। मुझसे एक पल भी दूर नहीं रहते हैं। वैसे आप तो बहुत ही व्यस्त रहते होंगे, लेकिन फिर भी आपके बेटे का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं आप। इसमें तो मेरे प्राण बसते हैं, बस हर पल इसी की चिंता लगी रहती है। मैं समझ सकता हूं। साई, साई आ गए।